भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने बुधवार को संदेशकाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने प्रधानमंत्री को आपबीती सुनाई और प्रधानमंत्री मोदी ने संयम के साथ पीड़िताओं की बात सुनी। पीड़ित महिलाएं पीएम मोदी से मिलकर भावुक हो गईं, क्योंकि एक पिता की तरह प्रधानमंत्री ने पीड़ित महिलाओं के दर्द को समझा और ध्यान से उनकी व्यथा सुनी। संदेशकाली की कई महिलाओं ने बीते दिनों शाहजहां शेख समेत कई टीएमसी नेताओं पर उनकी जमीन पर कब्जा करने और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके चलते संदेशकाली में काफी हंगामा हुआ। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी बंगाल दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में एक रैली को संबोधित किया। संदेश खाली भी बशीरहाट के तहत ही आता है। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के समूह से मुलाकात की। पीड़ित महिलाओं ने भावुक होकर प्रधानमंत्री को अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्ता सुनाई, जिसे पीएम मोदी ने बड़े ध्यान और संयम से सुना। भाजपा नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पीड़ित के दर्द को समझा और उन्हें ढांढस बंधाया। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान भी राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा और संदेशकाली की घटना पर कहा कि बंगाल की भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है, लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति के खिलाफ घोर पाप हुआ। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार महिलाओं के गुनहगारों को बचाने में पूरी शक्ति लगा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक सीमित नहीं रहने वाला। तुष्टिकरण और टोलाबाजों के दबाव में काम करने वाले टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।